हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाइडल पावर एंड प्रोजेक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा शानन हाइडल पावर हाउस इज लोकेटेड एट, कि जो शानन हाइडल पावर हाउस है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है जोगिंदर नगर मंडी, सेकंड ऑप्शन है चंबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, जोगिंदर नगर मंडी। अब शानन हाइडल पावर हाउस की बात हो रही है तो ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी नदी पे बना है। तो ये कौन सी नदी पे बना है, ये ब्यास नदी के ऊपर बना है। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और इसकी जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 110 मेगा वॉट। ये जो शानन हाइडल पावर हाउस है ये सेटअप किया गया था मंडी के राजा और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा। आप ये इसकी इमेज भी देख सकते हैं, ये है शानन हाइडल पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फर्स्ट पावर हाउस ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज, कि जो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट पावर हाउस है वो कौन सा है। ऑप्शन है नथपा झाकरी पावर हाउस, सेकेंड ऑप्शन है शानन पावर हाउस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, शानन पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, द शानन पावर हाउस हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर, कि जो शानन पावर हाउस है ये कौन सी नदी पे बना है। तो ऑप्शन है सतलुज या उहल। तो इसका सही आंसर है उहल, क्योंकि उहल जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्यास की। तो ये उहल नदी के ऊपर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द इंजीनियर ऑफ शानन पावर हाउस, कि जो शानन पावर हाउस है उसके इंजीनियर कौन थे। ऑप्शन है इंजीनियर हाउस टेन या इंजीनियर बीसी बेटी। तो इसका सही आंसर है इंजीनियर बीसी बेटी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग शानन हाइडल प्रोजेक्ट, कौन सी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है शानन हाइडल प्रोजेक्ट को। तो ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ एचपी। तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा कि ये जो शानन हाइडल प्रोजेक्ट है इससे कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके पांच क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाभा हाइडल प्रोजेक्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ, कि जो भाभा हाइडल प्रोजेक्ट है उसकी पावर जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी है। ऑप्शन है 126 मेगावाट, सेकंड ऑप्शन है 26 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वन, 126 मेगावाट। अब ये जो भाभा हाइडल प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी के ऊपर बना है। तो ये बना है आपका भाभा नदी के ऊपर, और ये कहाँ पे है, ये है आपका किन्नौर में। और इसकी जो पावर जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है आपकी, 126 मेगा वॉट। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये है आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये किसके कंट्रोल में है, ये कंट्रोल में है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और ये कम्प्लीटली अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है। और ये जो भाभा हाइडल प्रोजेक्ट है इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, भाभा हाइडल प्रोजेक्ट फुली अंडरग्राउंड इज आल्सो नोन एज, कि जो भाभा हाइडल प्रोजेक्ट है जो कि फुली अंडरग्राउंड है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी जल विद्युत परियोजना, या सेकंड ऑप्शन है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर एट है, भाभा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, कि जो भाभा हाइडल प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है सुंगरा भावानगर या निचर। तो आप क्वेश्चन से ही आइडिया लगा सकते हैं, भाभा हाइडल प्रोजेक्ट है तो ये कहाँ पे होगा, भावानगर में होगा। और कौन सी जगह है भावानगर की, सुंगरा। और ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पे बना है। तो ऑप्शन है यमुना या सतलुज। तो इसका सही आंसर है सतलुज, ऑप्शन नंबर टू।
क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस प्रोजेक्ट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया बिकॉज, कि ये अपनी तरह का एशिया का पहला प्रोजेक्ट है क्योंकि, ऑप्शंस है ये फुली अंडरग्राउंड है या फायर प्रूफ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये फुली अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है। तो आपने देखा कि ये सारे जो क्वेश्चन थे 6 to 10, ये किससे रिलेटेड थे, आपके भाभा हाइडल प्रोजेक्ट। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी पावर जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी है। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक और किस नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भाभा हाइडल प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे है, किन्नौर सुंगरा में, और ये कौन सी नदी पे बना है, ये सतलुज नदी पे बना है, और ये एशिया का अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट इज नियर, कि जो आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे बना है। ऑप्शन है चिरगांव, रोहडू या निचार, किन्नौर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, चिरगांव रोहडू। और ये इसकी जो पावर जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो है आपकी 16.3 मेगावाट। और ये कौन सी नदी पे बना है, ये बना है आंध्रा नदी के ऊपर जो पब्बर नदी की ट्रिब्यूटरी है। और ये किसके कंट्रोल में है, ये है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आप ये देख सकते हैं, ये है इसकी इमेज आंध्रा हाइडल पावर प्रोजेक्ट की, जो कि शिमला में है, क्योंकि रोहडू जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, शिमला। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, टोटल हाइडल पावर पोटेंशियल ऑफ आंध्रा प्रोजेक्ट इज, कि जो आंध्रा प्रोजेक्ट है उसकी जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो कितनी है। तो हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो ऑप्शंस है 26.3 मेगावाट या 16.3 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 16.3 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, कि जो नथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे बना है। ऑप्शन है झाकड़ी या कच्छम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झाकड़ी, क्योंकि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है नथपा झाकड़ी, तो ये कहाँ पे होगा, झाकड़ी में। अब ये जो झाकड़ी है ये कहाँ पर है, ये है आपका रामपुर शिमला में है। कहाँ है आपका, रामपुर शिमला में। और इसकी जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो कितनी है, वो है आपकी 1500 मेगावाट। और ये कौन सी नदी पे बना है, ये बना है आपका सतलुज नदी के ऊपर। और ये किसके कंट्रोल में है, ये है इसको जो इस हाइडल प्रोजेक्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लार्जेस्ट है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइडल पावर पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज, कि इस प्रोजेक्ट की जो पावर जनरेट करने की पोटेंशियल है वो कितनी है। ऑप्शन है 900 मेगावाट, सेकंड ऑप्शन है 1500 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है 1500 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 15 है, नथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर, कि जो नथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पे बना है। ऑप्शन है यमुना या सतलुज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, थिरोट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज इन, कि जो थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, जो कि 3 मेगावाट का है। ऑप्शन है शिमला हिल्स या लाहौल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लाहौल। जो थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पे बना है, ये बना है थिरोट नदी के ऊपर। और ये कितने मेगावाट का है, क्वेश्चन में भी दिया गया है 3 मेगावाट का है, कहीं पर 5 मेगावाट भी दिया होता है, तो उसको जरा चेक कर लें अगर आपको इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता है। और ये किसके कंट्रोल में है, ये है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर। और ये जो पावर हाउस है ये कंप्लीट हुआ था 1995 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ
थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट कि जो थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट है उसकी पावर जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी है। ऑप्शन है, अब यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दिया है, यहाँ पे आना था 4 मेगावाट और यहाँ पे आना था आपका 3 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 मेगावाट। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, वट इज द टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल ऑफ द 5 रिवर बेसिन्स ऑफ HP कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश की 5 नदियां हैं उनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल कितनी है, कितनी पावर वो जनरेट कर सकती हैं। ऑप्शंस हैं आपके, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ ये गलत हो गया है, सही यहाँ पे सही वैल्यू आनी थी 27,436 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 27,436 मेगावाट और ऑप्शन नंबर 2 है 15,530 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 27,436 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 16 है, नोगली पावर हाउस इज एट नोगली नियर कि जो नोगली पावर हाउस है वो नोगली में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है रामपुर या भरमौर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रामपुर, जो कि कहाँ पे है, शिमला में। आप ये देख सकते हैं नोगली पावर हाउस की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्यास सतलुज लिंक BSL प्रोजेक्ट इज एट सुंदरनगर एंड इट वॉज बिल्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इन भाखड़ा डैम। द फ्लो ऑफ रिवर ब्यास वॉज आल्सो चैनल्ड टू द गोविंद सागर बाय द ब्यास सतलुज लिंक विच वॉज कम्प्लीटेड इन कि जो ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट है जो कि सुंदरनगर में बना है और ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो भाखड़ा डैम का जो पानी है उसका लेवल मेंटेन रखा जा सके। साथ ही में जो रिवर ब्यास का जो पानी है उसको चैनल्ड किया है किसमें, गोविंद सागर में, इस लिंक के द्वारा जिसका नाम है ब्यास सतलुज लिंक। तो ये जो लिंक है ये कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था, ऑप्शन है 1970 AD या 1976 AD। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1976 AD। आप ये इसकी इमेज भी देख सकते हैं, ये आपका ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट की इमेज है जो कि सुंदरनगर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा फेस 1 एंड फेस 2 लोकेटेड इन चंबा ऑन रिवर कि जो चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट है फेस 1 और फेस 2 जो कि चंबा में बना है वो कौन सी नदी के ऊपर बना है। ऑप्शन है ब्यास या रावी, तो इसका सही आंसर है रावी, क्योंकि चंबा में कौन सी रिवर फ्लो करती है, रावी। और साथ में ही ये जो चंबा चमेरा फेस 1 है फेस 2 है इसके साथ ही फेस 3 प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो चमेरा के कितने हाइडल प्रोजेक्ट है, चमेरा जो है वो कितने स्टेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, चमेरा फेस 1, फेस 2 हाइडल प्रोजेक्ट और फेस 3 हाइडल प्रोजेक्ट। अब जो फेस वन है इसकी जो पावर जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो है आपकी 540 मेगावाट। जो चमेरा 2 है इसकी जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो है 300 मेगावाट। और जो चमेरा 3 जो फेस है उसकी जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो है 231 मेगावाट। और ये जो तीनों ही प्रोजेक्ट है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है NHPC। NHPC का मतलब है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और ये जो चमेरा फेस 1 है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और कनाडा का। और जो चमेरा 2 है ये कमीशन्ड हुआ था 2003 में। और जो चमेरा 3 है इसको हिब्रा नाम से भी जाना जाता है। अगर हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कौन सा है, ये चमेरा फेस 3 हाइडल प्रोजेक्ट है जो कि 231 मेगावाट का है। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, NHPC जो कि रावी नदी के ऊपर बना है। आप ये देख सकते हैं चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट की इमेज है। पंडो डैम एक्रॉस रिवर ब्यास इज 61 मीटर हाई एंड वाटर फ्रॉम दिस डैम हैज बीन डाइवर्टेड
थ्रू अ 13.16 किलोमीटर लॉन्ग टनल टू जॉइन रिवर सतलुज एट स्लापर, कि जो पंडोर डैम है जो कि रिवर ब्यास के ऊपर बना है, जिसकी हाइट 61 मीटर है और जिसका पानी एक टनल के थ्रू जिसकी लंबाई 13.16 किलोमीटर है डाइवर्ट किया गया है ताकि उसको ज्वाइन किया जा सके सतलुज रिवर के साथ। तो वो कौन सी जगह पे ज्वाइन किया गया है? वो किया गया है आपकी सलापर जगह पे ज्वाइन। पंडोर डैम जो है जो कि रिवर ब्यास के ऊपर बना है, जिसकी हाइट 61 मीटर है और इसका जो पानी है वो एक टनल के थ्रू डाइवर्ट किया गया है जिसकी लंबाई 13.16 किलोमीटर है ताकि उसको रिवर सतलुज के पानी में ज्वाइन किया जा सके। तो वो जो ज्वाइन किया गया है वो कौन सी जगह में किया गया है? वो किया गया है स्लापर जगह में। क्या ये सही है या गलत है? ऑप्शंस है इसके ट्रू या फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू। आप ये देख सकते हैं ये पंडोर डैम है जो कि रिवर ब्यास के ऊपर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट इज इन, की जो चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर बना है? ऑप्शन है शिमला या चंबा। तो इसका सही आंसर है चंबा। और कौन सी नदी पे बना है? तो ये बना है आपका रावी नदी के ऊपर। और ये कितने स्टेज का प्रोजेक्ट है? ये 3 स्टेज प्रोजेक्ट है, चमेरा 1, चमेरा 2 एंड चमेरा 3। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ चमेरा प्रोजेक्ट, की जो चमेरा प्रोजेक्ट है उसकी पावर जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी है? ऑप्शन है ऑप्शन 1 चमेरा फेस 1 जिसकी 540 मेगावाट है, चमेरा फेस 2 जिसकी 300 मेगावाट है, या बोथ। तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो चमेरा प्रोजेक्ट है ये 3 फेस में है, 3 फेस में प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, चमेरा फेस 1, चमेरा फेस 2 और चमेरा फेस 3, जिसकी पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है 231 मेगावाट। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? हिब्रा नाम से भी जाना जाता है, हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे थर्ड की बात नहीं की गई है, सिर्फ ये बात की गई है जो चमेरा प्रोजेक्ट है, चमेरा 1 जो है क्या उसकी 540 मेगावाट है पावर जनरेट करने की कैपेसिटी, चमेरा 2 की कितनी है 300 मेगावाट है। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है बोथ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका व्हाई डेडिकेटिंग भाखड़ा डैम टू द नेशन ऑन 20 नवंबर 1963 द प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू डिस्क्राइब दिस डैम एज। जब भाखड़ा डैम को नेशन को डेडिकेट किया गया था 20 नवंबर 1963 को, तो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डैम को किन शब्दों में इस डैम का वर्णन किया था? ऑप्शन है न्यू टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया या न्यू माइलस्टोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 न्यू टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंसिडर किया था एज अ सिंबल ऑफ इंडिया प्रोग्रेस। साथ ही अब भाखड़ा डैम की बात हो रही है, तो भाखड़ा डैम जो है ये कौन सी नदी पे बना है? ये बना है आपका सतलुज नदी के ऊपर। और इसकी जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो है 1325 मेगावाट। और ये किसके अंडर है? ये है BBMB के अंडर, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड इसको कंट्रोल कर रहा है। और ये कहाँ पे बना है? ये बना है आपका बिलासपुर में, या आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। तो ये है आपकी भाखड़ा नंगल डैम की इमेज। क्वेश्चन नंबर 26 है होली हाइडल प्रोजेक्ट जो कि 3 मेगावाट का है वो कहाँ पर बना है? ऑप्शन है ऊना या चंबा। तो इसका सही आंसर है चंबा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 हटसर हाइडल प्रोजेक्ट इज इन, की जो हटसर हाइडल प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर बना है? चंबा या मंडी। तो इसका सही आंसर है चंबा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कुक्ती हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, अब बात हुई है यहाँ पे कुक्ती हाइडल प्रोजेक्ट की, ये कहाँ पर बना है? ऑप्शन है सिरमौर या चंबा। तो इसका सही आंसर है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा हाइडल प्रोजेक्ट इज इन, कि जो हीरा हाइडल प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर बना है? ऑप्शन है लाहौल या चंबा। तो इसका सही आंसर है चंबा। क्वेश्चन नंबर 30 है कुठेड़ हाइडल प्रोजेक्ट इज इन, जो कुठेड़ हाइडल प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर बना है? ऑप्शन है चंबा या किन्नौर। तो इसका सही आंसर है चंबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज इन, कि जो साल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि 8.25 मेगावाट का है, ये कहाँ पर बना है? ऑप्शन है चंबा या मंडी, तो इसका सही आंसर है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द वेरियस एजेंसीज कंस्ट्रक्टिंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन HP, की कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में हाइडल पावर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं? ऑप्शंस हैं HPSEB लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेकंड है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, नेक्स्ट है नथपा झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन, नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, या ऑल। तो ये सभी जितनी भी एजेंसीज हैं, ये सारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट सेटअप करती हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, लार्जी हाइडल प्रोजेक्ट 126 मेगावाट इज अंडर एग्जीक्यूशन बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन द ब्यास बेसिन इन डिस्ट्रिक्ट, की जो लार्जी हाइडल प्रोजेक्ट है 126 मेगावाट का, जिसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है रिवर ब्यास के ऊपर, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन है मंडी या चंबा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मंडी। अब यहाँ पे बात की गई है लार्जी हाइडल प्रोजेक्ट की, तो ये जो लार्जी हाइडल प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट का है? ये तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 126 मेगावाट का है, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल किसके अंडर है? ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर है, और ये कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट है एज पर मेगावाट इन द कंट्री। और कौन सी नदी पे बना है? तो जो लार्जी हाइडल प्रोजेक्ट है ये ब्यास नदी के ऊपर बना है। कई बार यहाँ पे मंडी भी आता है, क्योंकि ये बाउंड्री, लार्जी हाइडल प्रोजेक्ट बाउंड्री पे है मंडी और कुल्लू, तो कई बार यहाँ पे कुल्लू भी दे सकते हैं ऑप्शन में कि लार्जी हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ है। अगर मंडी नहीं दिया होगा तो कुल्लू दिया होगा, तो कुल्लू भी आपका सही आंसर है। आप ये देख सकते हैं, ये लार्जी हाइडल प्रोजेक्ट की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खावली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 12 मेगावाट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन साली एरिया ऑफ शाहपुर इन डिस्ट्रिक्ट, कि जो खावली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि 12 मेगावाट का है, साली एरिया जो कि शाहपुर में है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? ऑप्शन है कांगड़ा या मंडी, तो इसका सही आंसर है कांगड़ा, क्योंकि जो शाहपुर है वो कहाँ पे पड़ता है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 जो कि 100 मेगावाट का है, इज लोकेटेड इन जोगिंदर नगर तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कि जो उहल हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टेज 3 का है जो कि 100 मेगावाट का है, वो जोगिंदर नगर तहसील के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? ऑप्शन है शिमला या मंडी, तो इसका सही आंसर है मंडी, क्योंकि ये जो जोगिंदर नगर है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के में पड़ता है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 258 मेगावाट इज यूजिंग द पोटेंशियल ऑफ केरांग एंड कशांग स्ट्रीम, विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, कि जो कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि 258 मेगावाट का है, वो जो पावर जनरेट कर रहा है किसकी मदद से? दो स्ट्रीम की मदद से, जिनका नाम है केरांग और कशांग स्ट्रीम, जो कि ट्रिब्यूटरीज है कौन सी नदी की? तो ऑप्शन है सतलुज या यमुना, तो इसका सही आंसर है सतलुज। अभी जो कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका 3 स्टेज प्रोजेक्ट है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अब जो स्टेज 1 हाइडल प्रोजेक्ट है, इसकी जो पावर जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो है 65 मेगावाट, जबकि जो 2 और 3 की जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो है आपकी 130 मेगावाट, और ये किसके अंडर है? ये है HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये कौन से विलेज में बना है जो कशांग हाइड्रो प्रोजेक्ट है? ये पाउरी विलेज में बना है, और ये जो पाउरी विलेज है ये कहाँ पे है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कौन सी विलेज में बना है? ये पाउरी विलेज में बना है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। घानवी स्टेज टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 10 मेगावाट इज ऑन घानवी रिव्यूलेट विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। की जो घानवी स्टेज टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 10 मेगावाट का, वो घानवी नदी के ऊपर बना है जो कि ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की। तो ऑप्शन है रावी या सतलुज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सतलुज। अब यहाँ पे घानवी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो घानवी भी ये 2 फेज प्रोजेक्ट है, फेज 1 प्रोजेक्ट और घानवी फेज 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट। जो फेज 1 है उसकी जो पावर जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो है 22.5 मेगावाट, जबकि जो फेज 2 की है वो क्वेश्चन में भी दिया गया है उसकी पावर जनरेट करने की कैपेसिटी जो है वो 10 मेगावाट है। और ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट है ये आपके हैं कहाँ पर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं रामपुर में जो कि शिमला के डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये किसके कंट्रोल में है, ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट हैज बीन एग्जीक्यूटेड जॉइंटली बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड विद एन इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफ 1:3। इट वॉज कमीशन ड्यूरिंग गवर्नमेंट इज गेटिंग 12% फ्री पावर। दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर। कि जो नथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि 1500 मेगावाट का है, इसको एग्जीक्यूट किया गया था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसमें जो पार्टिसिपेशन है शेयर का वो है 1:3 का। जो 1 part है शेयर वो स्टेट का है, जिसमें जो 3 part शेयर है वो किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। जब ये कमीशन्ड हुआ था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब जो 12% जो फ्री पावर है वो गवर्नमेंट यूज करेगी, ये बात कही गई थी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पे बना है, ऑप्शन है सतलुज या ब्यास। तो इसका सही आंसर है सतलुज। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है नथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, और ये आपकी ये देख सकते हैं आप इसकी इमेज नथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिंग कोल डैम द स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिंग कोल डैम पावर प्रोजेक्ट 800 मेगावाट थ्रू NTPC ऑन रिवर। यहाँ पे ये भी थोड़ा गलत आ गया है। तो क्वेश्चन है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था कोल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 800 मेगावाट का है, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये कौन सी नदी पे बना है, ऑप्शन है सतलुज या यमुना। तो इसका सही आंसर है सतलुज। अब यहाँ पे बात हो रही है कोल डैम की, तो ये जो कोल डैम है इसकी जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है 800 मेगावाट। और इसको कौन किसके अंडर आता है, ये आता है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसको जो इसकी जो फाउंडेशन थी वो रखी गई थी 5 जनवरी 2000 में, किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो कि उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और ये कौन सी नदी पे बना है, तो आंसर ये क्वेश्चन में दिया गया सतलुज नदी के ऊपर बना है। साथ में ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है, ये है मंडी और बिलासपुर के बॉर्डर पे बना है। ये जो कोल डैम है ये कहाँ पर बना है, मंडी और बिलासपुर के की बाउंड्री पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 1 750 मेगावाट, स्टेज 2 800 मेगावाट, स्टेज 3 501 मेगावाट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे गलत आ गया है, पावर कॉरपोरेशन NHPC ऑन रिवर पार्वती विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। कि जो पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है स्टेज 1 जो कि 750 मेगावाट का है, स्टेज 2 जो कि 800 मेगावाट का है, और स्टेज 3 जो कि 501 मेगावाट का है, इसको एग्जीक्यूट किया गया था नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा रिवर पार्वती के ऊपर, जो कि किस नदी की ट्रिब्यूटरी है।
ऑप्शन है यमुना या ब्यास, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू ब्यास की, क्योंकि जो पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ब्यास नदी के ऊपर बना है और ये थ्री फेज प्रोजेक्ट है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टेज 1 750 मेगावाट का है, स्टेज 2 800 मेगावाट का है और स्टेज 3 501 मेगावाट का है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है, ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और ये किसके अंडर आता है, इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो है NHPC। क्वेश्चन में भी दिया गया है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और ये हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। तो अगर बिगेस्ट प्रोजेक्ट अगर हिमाचल का पूछा जाए तो वो कौन सा है, वो है आपका पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है चमेरा स्टेज 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट 300 मेगावाट कमीशन्ड ऑन 2003 इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ HP थ्रू, कि जो चमेरा स्टेज 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट का जो कि कमीशन्ड हुआ था 2003 में, ये एग्जीक्यूट किया गया है किसके द्वारा, NHPC के द्वारा या SJVN के द्वारा, तो इसका सही आंसर है NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर ये चमेरा प्रोजेक्ट आता है। चमेरा स्टेज 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट 231 मेगावाट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू, कि जो चमेरा स्टेज 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि 231 मेगावाट का है, इसे कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, ऑप्शन है NTPC या NHPC। तो ये हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो चमेरा प्रोजेक्ट है उसको कौन देख रहा है या किसके अंडर है, वो है NHPC के अंडर, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और जो स्टेज 3 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है और किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में कई बार हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट पूछ ले तो वो बात कर रहे हैं चमेरा स्टेज 3 हाइडल प्रोजेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 43 है 300 मेगावाट वस्पा हाइडल प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय JP इंडस्ट्रीज एंड इज लोकेटेड ऑन, जो 300 मेगावाट का वस्पा हाइडल प्रोजेक्ट है जिसको एग्जीक्यूट किया गया है JP इंडस्ट्री, वो कहाँ पर बना है, ऑप्शन है बसपा या उहल। क्यों अब बात हो रही है यहाँ पे बसपा हाइड्रो प्रोजेक्ट की, तो इससे ही हमें आंसर मिल रहा है ये कहाँ पर है, बसपा। अब बसपा हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है तो बसपा कहाँ पे है, किन्नौर में, और ये बस ट्रिब्यूटरी है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। तो ये भी याद रखिएगा कि बसपा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है सतलुज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 मेगावाट मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाई मलाना पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इज इन, की जो मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि 86 मेगावाट का है और ये किसके द्वारा बनाया गया है, मलाना पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन है चंबा या कुल्लू, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू कुल्लू। और ये आप ये इमेज भी देख सकते हैं, ये मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धामबाड़ी सुंडा हाइड्रो प्रोजेक्ट 70 मेगावाट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय रिवर, कि जो धामबाड़ी सुंडा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि 70 मेगावाट का है, ये कौन सी नदी पे बना है, तो ऑप्शन है पब्बर या नियोगल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पब्बर। और ये जो पब्बर है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज पर है वो कौन सी है, आंध्रा और गिरी, और ये है आपका शिमला में, तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है नियोगल हाइड्रो प्रोजेक्ट 15 मेगावाट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय, कि जो नियोगल हाइड्रो प्रोजेक्ट है 15 मेगावाट का है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, ऑप्शन है ओम पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड या राज पावर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओम पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है करछम वांगटू हाइड्रो प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय JP इंडस्ट्रीज इज ऑफ, ये जो करछम वांगटू हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि JP इंडस्ट्री के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है वो कितने मेगावाट का है, ऑप्शन है 1000 मेगावाट या 800 मेगावाट। तो करछम वांगटू की बात हो रही है तो इसका आंसर सही आंसर है 1000 मेगावाट। और ये कौन सी नदी पे बना है करछम वांगटू, ये बना है आपकी सतलुज नदी के ऊपर, और ये कहाँ पर है, ये है आपका किन्नौर में। आप ये देख सकते हैं ये इमेज है
डैम की, और यहाँ लिखा भी है ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, ये किया गया है जेपी इंडस्ट्री के द्वारा। और ये कितने में, इसकी जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट है, और ये कौन सी नदी पे बना है, ये सतलुज नदी के ऊपर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलियान दुहंगन हाइडल प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय राजस्थान स्पिनिंग एंड वेविंग मिल एट मनाली इज ऑफ, कि जो अलियान दुहंगन हाइडल प्रोजेक्ट है जो कि राजस्थान स्पिनिंग एंड वेविंग मिल के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है मनाली में, वो कितने मेगावाट का है। ऑप्शन है 92 मेगावाट या 192 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 192 मेगावाट। और ये कौन सी जगह पे बना है, ये बना है प्रिनी, एक जगह है जो कि मनाली में पड़ती है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम ऊर्जा इज डेवलपिंग नॉन कन्वेंशनल न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अप्लाइंग टेक्नोलॉजी सच एज, कि जो हिम ऊर्जा है वो डेवलप कर रही है नॉन कन्वेंशनल न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वेरियस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके। तो वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको अप्लाई करके हिम ऊर्जा नॉन कन्वेंशनल और न्यू और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिवेल्प कर रही है। ऑप्शन है सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, सोलर कुकर्स, इम्प्रूव चूल्हा, इम्प्रूव वाटर मिल्स, फोटोवोल्टिक लाइट, सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, हाइड्रम्स, प्रेशर कुकर्स या ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑल। इन सभी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके नॉन कन्वेंशनल न्यू और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप किया जा रहा है। अब यहाँ बात हुई है हिम ऊर्जा की, तो हिम ऊर्जा क्या है, हिम ऊर्जा जो है ये काम करती है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, ताकि कैसे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किए जा सके। हिम ऊर्जा के द्वारा अभी तक ये आइडेंटिफाई किया गया है कि 526 स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप किए जा चुके हैं, और ये एक स्टेट बॉडी है जो कि स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को सेटअप करती है या स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे काम कर रही है।